वडोदरा शहर के पूजा गार्डन इलाके में एक मगरमच्छ तैरता नजर आया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को पकड़ लिया। वडोदरा की विश्वामित्र नदी में कई सौ मगरमच्छ रहते हैं और हर साल भारी बारिश के बाद शहर में उनके आने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 63 लोगों का रेस्क्यू भी बाढ़ में फंसे लोगों का वडोदरा में हुआ। जो टीमें तैनात की गई थी वो नाव के जरिए उन इलाकों में जा रहे हैं। पहले कोशिश यही है कि कम से कम राशन तो पहुंचाया ही जाए, तो खाने की सामग्री लेकर ये टीम वहां पहुंच रही है। उसके बाद कोशिश ये भी है कि जहां पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, दो मंजिला तीन मंजिला इमारत वाले अपने छत पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उनको निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। 63 लोगों का रेस्क्यू भी हुआ है। भारी बारिश के बाद कर्णक डैम को ओवरफ्लो हुआ है। चेतावनी दी गई है कि अब डैम से पानी निकाला जाएगा और सीधे तौर पर नुकसान निचले इलाकों को पहुंचा सकता है। इसलिए निचले इलाके में रहने वाले लोग सतर्क रहें, मुमकिन हो तो अपने घर को अपने आशियाने को छोड़कर सुरक्षित जगहों का रुख कर लें। तो आपको बता दें एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, नाव के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मगरमच्छ भी जो है वो भी बहकर पानी के साथ साथ रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद उस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तो एक तरफ मूसलाधार बारिश और वहीं संकट में देश के 6 राज्य हैं। और संकट सिर्फ ये नहीं कि आपके घरों तक पानी पहुंच रहा है, संकट कुछ इस तस्वीरों जैसी भी सामने आ जाती है जहां पर देखिए मगरमच्छ जो है वो दरअसल सड़क पर आ गया बहते बहते, और उसके बाद खतरनाक हो सकता था। ये जानकारी दी गई टीम को, वो टीम वहां पहुंचती और किस तरीके से कड़ी मशक्कत लगी इसे अपने काबू में करने के लिए, इसे बांधकर यहां से हटाया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सारे मगरमच्छ उस इलाके में हैं और पानी के साथ बहते हुए वो कई बार रिहायशी इलाकों में चले आते हैं जो खतरा पैदा करते हैं।